अस्सलाम वालेकुम, तबस्सुम आसिफ व्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज 17-18 दिन बाद हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के नाश्ते से, और हमारे जनाब नहीं थे, वो गए थे गांव अपने, इसलिए हमने ब्लॉग नहीं बनाए थे, है ना। और अभी आए हैं रात में, तो मैं बोली चलो अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा सुबह का नाश्ता, ये दूध और ये समोसे, और ये है आलू के समोसे, और ये है नारियल पानी, और ये है केला। तो चलिए नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। सलाम तो करो। पहले खाने का जान दो, उनको बहुत तेज़ भूख लगी है, उनको पहले खाने दो। चलो मैं भी नाश्ता करती हूँ, फिर नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने नाश्ता कर लिए थे, नाश्ता करने के बाद हमने कुछ शूट नहीं करे, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट शाम में व्लॉग शूट कर रही हूँ। और आज हम बना रहे हैं सैंडविच, चीज़ सैंडविच बना रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें है ये है ककड़ी, और कुकुम्बर, कुकुम्बर, हाँ कुकुम्बर भी बोलते हैं, ककड़ी भी बोलते हैं, खीरा, खीरा, खीरा बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खीरा लिया है बारीक चॉप करके, और यहाँ पे लिया है प्याज बारीक चॉप करके, और टमाटर लिया है, टमाटर एकदम छोटू सा लिया है, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, और हमारे वहाँ 100 रुपये किलो है टमाटर, तो हमारे को 25 रुपये के 4 टमाटर आए इतने छोटे छोटे। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए है, और यहाँ पर शिमला मिर्ची ली है, और ये मैंने अमूल चीज़ का पैक लेकर आया है, और ये टमाटो केचप, और ये बड़े वाले ब्रेड लेकर आए हैं। तो बड़े वाले ब्रेड किस तरह से है मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। देखिए ये बड़े वाले ब्रेड है, तो इसको हम निकाल के रख देंगे इसमें। और टमाटर जो है ना वो वेजिटेबल नहीं है, मतलब फ्रूट है। हाँ फ्रूट है, जो भी है, अब अपन रोज़ खाने में डालते तो वही बोलते ना, और आम पब्लिक समझ जाती है ना। तो ये यहाँ पे देखिए, ये मैंने ब्रेड निकाल के रख दिए है, और इसके अंदर है मेयोनीज, और ब्लैक पेपर ली, यहाँ पर मैंने लिया है ये ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक हम बॉल ले लेंगे, और बॉल के अंदर सारे वेजिटेबल हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं इसकी फिलिंग, है ना, जो सैंडविच के अंदर जाएगी, हाँ। वो फिलिंग हम रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें ये ऑनियन जो कि हमने बारीक कट करे है, फिर ये सब साथ में खीरा, और फिर उसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्ची, टमाटर, तो ये सबको हम, और आज हमारी हेल्प करेंगे आसिफ अंकल। हाँ चलो आप आ रहे हैं, ये सब हम एक साथ अंदर डालेंगे, और इसको पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। तो इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, और देखिए जनाब वहाँ पे बैठे बैठे देख रहे हैं सब मुझे पीछे से, और बीच बीच में टोके जा रहे हैं कि ये नहीं, ये मत बोल, ये ऐसे नहीं, ऐसे बोल, ये ऐसे नहीं, ऐसे बोल। और ये देखिए, ये जब वेजिटेबल मिक्स करते हैं इनका कलर कितना प्यारा लगता है ना, है ना। और ये जब मैंने वेजिटेबल मिक्स कर लिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच लिया है, बहुत हो जाएगा, नहीं एक चम्मच लिया है इतना, है ना, सही है ना। तो ये यहाँ पे एक चम्मच लिया है, नहीं एक चम्मच ली हूं। तो ये हम इसमें ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप। तो टमाटो केचप हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच, है ना, 4 से 5 चम्मच टमाटो केचप डाल दिया है मैंने इसमें। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मेयोनीज, यहाँ पर मैंने ले लिया है मेयोनीज, और ये अमूल का ही मेयोनीज है जो कि बहुत अच्छा होता है, इसका पैक ख़त्म हो गया है, तो मैंने इसमें निकाल के रखा था, अब वो इसमें मैं ऐड करूँगी। और लगेगा क्या, हाँ तो देखिए जनाब आके रुके हैं यहाँ पे देखने के लिए कि मैं क्या और कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया है सब, अब हम इसको करेंगे मिक्स, गिर रहा नहीं, ऐसे 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 करके इसको, बताओ टमाटर महंगा होने की वजह से बार बार मुझसे वही बोल रहे हैं, टमाटर को हिसाब से डालना, टमाटर को हिसाब से डालना, बताओ। और ये फिलिंग रेडी हो चुकी है, और अगर आप इसमें चाहे ना तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर भी ऐड करूंगी इसमें, है ना, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आलू भी, हाँ आलू भी ऐड कर सकते हैं, हाँ आलू, हाँ, उबला हुआ आलू भी ऐड कर सकते हैं, उबला हुआ आलू भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ लेकिन मुझे ध्यान नहीं था तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ ये वाला। जो भी वेजिटेबल आपको खाना रहेगा ना तो आप वो सब इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने मेयोनीज
लगता है मैनूज थोड़ा कम है, मैं इसमें और डाल दी ताकि चीजी चीजी हो, है ना। देखिए अब मेरी उंगली भर रही है तो बोलते ला इधर मैं कर देता हूँ। बताओ ऐसा हस्बैंड चाहिए गुड वाले, है ना। बोलते डालेंगे ना तो टेस्ट ज़्यादा आता है, इसके लिए हाथ से डाल रहे हैं खाने का, हाथ से खाने का ना चम्मच से खाने का। तो यहाँ पे डाल दिए मेयोनीज, इसके हम अंदर हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा काला नमक और ये भी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। पर तो यहाँ पर मैं अब ये जो मैंने मेयोनीज निकाला है ना उसी में मैं थोड़ा सा ये केचप निकाल दूंगी और इसके अंदर हम थोड़ी सी ऐड करेंगे शेजवान चटनी, है ना। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर लिया है शेजवान चटनी, टमाटर चटनी हो, टमाटर की चटनी है उसमें थोड़ी सी शेजवान चटनी डाली जो तीखा करे मतलब उसको, तो सीधा लाल मिर्च का पाउडर बोलना है शेजवान चटनी क्या है। हाँ तीखा कर रही हूँ इसको और अभी ना मतलब ग्रीन ग्रीन चटनी भी बनाते हैं लेकिन शेजवान सबको नहीं पता होता, सरजोन एक विलेन था गुंडा फिल्म में मालूम है। शेजवान चटनी भी बनाते हैं लेकिन वो मैं नहीं, वो ग्रीन चटनी भी बनाते हैं सॉरी, और वो मैं नहीं बनाई हूँ तो इसी से हम झटपट रेडी करेंगे ताकि बहुत तेज़ भूख लगी है। तो चलिए अब एक दो पीस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ, फिर उसके बाद पूरा लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है इस पे तवा गर्म होने के, थोड़ा थोड़ा प्री हीट हो जाएगा ना तवा, उसके बाद में ये ब्रेड है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, तो इसको थोड़ा थोड़ा सेक के ले लेंगे ताकि ये क्रंची हो जाए, और क्रंची होने के बाद ना हम इसके ऊपर अपनी फीलिंग ऐड कर देंगे ताकि अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी और कुरकुरा सा टेस्ट आए सैंडविच का। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े रोस्ट करके इसको ब्रेड को रख दिया हूँ, अब और इधर भी ब्रेड थोड़े थोड़े रोस्ट हो रहे हैं, इसको भी मैं रोस्ट करके ले लूँगी, फिर इसके ऊपर हम फिलिंग डालेंगे तो आगे वो मैं बताऊँगी कैसे करना है। हाँ तो यहाँ पर मैंने पूरे ब्रेड को अच्छे से रोस्ट कर दिया है, अब हम इसमें ऐड कर इसके ऊपर हम लगाएंगे केचप, केचप और मक्खन नहीं लगाएंगे, लाल मक्खन, केचप और शेजवान चटनी की फीलिंग, फीलिंग नहीं है जी ये वो क्या बोलते हैं सॉस है ना ये, हाँ सॉसेस लगाएंगे, फीलिंग क्या होता है मालूम है, चुप। दो फीलिंग है किसकी? दो तरह की फीलिंग होती है ना, एक भरने वाली फीलिंग होती है, वो इंसान के अंदर भी भरे जाती है उसको भी फीलिंग ही बोलते हैं। जो होता है ना क्या बोलते हैं जहाँ सी एन जी मिलती है हम बोलते हैं गैस एजेंसी है, क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप है, उसको भी फिलिंग बोलते हैं, फिलिंग स्टेशन। अच्छा जी भरते हैं तो वो भी भरना ही है ना जी, भरना मतलब स्टेशन, भरना मतलब फीलिंग, एहसास मतलब भी फीलिंग होता है, फीलिंग हिंदी बोल लेंगे ना उसको एहसास, एहसास कर रहे क्या इसमें, बताओ कुछ भी एहसास भर रहे जी कर रहे नहीं ना, अब इसमें एहसास की क्या बात है। तो ये यहाँ पे मैंने लगा के रख दिया है और ये देखिए ये फीलिंग रेडी है, अब हम इसमें भर देंगे फीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ली हूँ, नहीं उससे पहले हम क्या करेंगे मालूम है, क्यों नहीं जी बाबा ये चीज़ निकालेंगे, ठीक है मुझे निकालने का नहीं, मेरे लोकेशन में भी है चक्रा फीलिंग स्टेशन, ये चीज़ निकालेंगे, चीज़ के क्यूब निकालेंगे हम और हम इसको कर लेंगे ग्रेट, है ना, ग्रेट मतलब ग्रेट कर लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद जब हम फीलिंग लगाएंगे तो तुरंत हम उसमें चीज ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये अमूल का चीज है और ये मालूम रहता है जी लोगों को। हाँ तो मैं फिर भी दिखा रही हूँ जिसको नहीं पता है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से होती है कुछ, कितनी प्यारी लगती है ना, कोई कोई इसको रूखा भी खाता है कैंडी समझ के, इतनी टेस्टी टेस्टी लगती है ना बहुत ज्यादा, अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू, जब बनेगा चीज खाने का तो सब खाएंगे ना, साथ में चल मैं नहीं खा रहा, नहीं तुमने खा था ना जी, हां मैं को देना मैं खिलाऊंगा ना, तुमको चीज से नफरत है ना, हां नहीं कुछ कुछ कह में डालेंगे तो अच्छा लगेगा, तो रुक जाओ मैं इसको ग्रेट करने का लेके आती हूँ, दो मिनट में मिलते सामने चल। तो ट्राई करके देखते हैं, हमारे पास वो छोटा वाला नहीं है तो हम इसी से ट्राई करके देखेंगे कि कैसे होती है, देखो अंदर अच्छी हो रही ना, रुक जाओ पहले नहीं कर लो उसमें से तो लंबा लंबा ही निकलेगा ना पागल कुछ भी हाथ लग जाएगा दम से, वो निकल रहा तब लग रहा है असली चीज है, तुम्हारे इरादे कुछ सही नहीं दिख रहे चीज को लेके। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ग्रेट कर दिया है, हाँ ये सही है देखो, हाँ ये कंसिस्टेंसी सही है, तो ये इस तरह से कुछ इसकी कंसिस्टेंसी हुई है, कंसिस्टेंसी हाँ जो भी है मुझे बोलने नहीं आता है ठीक से, ठीक है लेकिन पब्लिक मेरी समझ लेती है, तो यहाँ पे है ना कंसिस्टेंसी,
कंसिस्टेंट। और देखिए कंसिस्टेंसी, खुदा की कुदरत, ये लोग तो मुझे परेशान कर रहे हैं बनाते बनाते, और ऊपर से बारिश भी आ रही है। ओ बारिश को मत बोलो क्योंकि बारिश का मौसम है ना जी। हाँ। जिसकी भी आवाज़ मतलब, लेकिन आवाज़ तो वीडियो में आ रही है ना, तो यहाँ पे मैंने इसको भी ग्रेट कर लिया है। देखिए अच्छे साथ में लगेगा। हाँ बोले हाँ, मतलब जनाब को ये फिक्र है, बोल रहे आराम से करना, हाथ में लगेगा। छोटा ले लो, हम दो ना छोड़ो, नहीं वो छोड़ दो कोई बात नहीं, थोड़ा समय इसको रोक दे। मेरा नाम रुक जाओ, मुझे दिखाने दो अच्छे से अपने व्यूअर्स को। हाँ तो चलिए, ये यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ पे, इधर देखिए, यहाँ पे मैं फीलिंग बता रही हूँ आप कैसे करनी है। धमकी देखने दिखाने का, ऊपर से दिखा थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये फीलिंग्स, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। हाँ तो उसमें अदरक वाला वो फ्लेवर है ना, उस पर देख, पुदीना है शायद, थोड़ा सा अदरक है। अच्छा उसके पानी में उसको कर रहे थे ना। हाँ तो इसलिए अमूल वाला चीज़ है ना वो, टेंगे, अमूल वाला ही चीज़ मतलब बेटर होता है, हम लोग वही लेके आते हैं ना, ठीक है। आपने हाँ। मुझे, आपने मेरे पहले भी व्लॉग में देखा होगा जब मैंने पिज्ज़ा बनाया है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो उसके अंदर मोज़रेला का अमूल वाला चीज़। हाँ मोज़रेला ऐसा होता है ऐसा। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने ले लिया है, अब हम इसको इसमें डालेंगे, इसकी हम थोड़ी सी फिलिंग भरेंगे इसमें भी चीज़ से, ठीक है। ठीक है हाँ, अब हम इसको जो हमने ये वाला केचप लगाया है इसको हम कर लेंगे डबल, और इसको रख देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे मालूम है, एक काला ऐसा क्यों, रुक जाओ। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे घी। घी उसके नहीं क्या वो अच्छा लगता है उससे, नहीं अभी पब्लिक ने देखी है ना, मैं वो ये करी हूँ ब्रेड, उस पे वो कर रही हूं। ब्रेड वो, हाँ ब्रेड वो करने से, अब इसमें हमने डाला है घी, हमारे पास बटर नहीं था, आप चाहे तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं ना। तो ये जो मैंने फिलिंग करी हूँ अभी मैं इसको रख दूंगी, जल गर्म नहीं हुआ अभी, तो इसका हल्के आंच पे ही सेकना होता है, ठीक है, ज्यादा गर्म नहीं जमता नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने दूसरी फिलिंग, दूसरी फिलिंग तुम जूस को चेक करते रहो ना जा, उनको वो ये दे दो फिलिंग कर लिए, अब हम इसमें डालेंगे चीज। अच्छे से पलटो, देखो भाई से खेलेंगे तुम अभी बस। हाँ थोड़ा 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 ऐसा होने दो ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और ये डाल ली है मैंने इस पे चीज, और ये लगा दिया है इसको ये, अब यहाँ पे रखेंगे हम उसको साइड में, इधर ले लो सामने ले लो, यहाँ पे रखेंगे हम दूसरा वाला। इसमें तेल तो लगा हुआ नहीं अभी, नहीं। तो चलिए अब मैं पूरा बनाने के बाद आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। क्यों ऐसे कर रहे, दिखाएं को बहुत बदमाशी कर रहे हैं बीच बीच में। तो फ्रेंड्स मैं आपको पूरा बनाने के बाद फिर दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं हमारे चीज़ सैंडविच, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे 500 रुपये में कितने सारे सैंडविच बनके रेडी हुए हैं। अगर आप यही मार्केट में लेने जाएंगे तो इसको आपके लिए 1000 रुपये जाएंगे, है ना, ज़्यादा भी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सैंडविच रेडी कर दिया है, अब मैं इसको कट करके और थोड़ा सा गार्निश करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ऐसे कट कर लेंगे बीच में से, और कितना चीज़ी और क्रिस्पी बना है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। नहीं हो रुक जाओ, बनाया मत ले, घुमाओ ना। तो फ्रेंड्स देखिए ये सैंडविच बनके रेडी हो चुका है, और आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये झटपट बनने वाला सैंडविच है, चलो अब इसको हमारे हस्बैंड को टेस्ट कराते हैं कि कैसा बना है। मैं तो पूरा हारा। तो देखिए हमारे जनाब बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, और आप इनका रिएक्शन देखिए कैसा बन रहा है, तो ये दिखाएंगे। ओ अच्छा रिएक्शन, तो अच्छा बनाया भाई, थैंक यू। कैसा बना है और आपको रिव्यू देती हूँ। वैसे तोड़ो, वैसे नहीं टूट रहा, गिर जाएगा। हरीश वाह एकदम सुपर, सुपर से भी ऊपर। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।